स्वास्थ्य विभाग ने एनआरएचएम कर्मी और आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसाने के बाद चर्चा में आए कोयला कारोबारी प्रमोद कुमार सिंह को बिहार पुलिस ने मंगलवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में प्रमोद को कई महीनों से अररिया के जोगबनी थाना की पुलिस खोज रही थी। पिछले दिनों छापेमारी में वह बिहार पुलिस से बच गया था। अररिया के अभिनव कुमार ने प्रमोद सिंह के खिलाफ जोगबनी थाना में केस दर्ज कराया था। आरोप है कि सहयोगी नगर फेज 3 निवासी प्रमोद सिंह ने अभिनव से कोयला देने के एवज में उसके बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपए और उसके मुंशी के खाते से 20 लाख रुपए डाले थे और बाद में प्रमोद ने बिना जीएसटी और ओरिजिनल पेपर के कोयला लेने को कहा। अभिनव ने कोयला लेने से मना कर दिया और रुपए लौटाने को कहा। प्रमोद ने रुपए लौटाने की आनाकानी की। जोगबनी पुलिस सोमवार की रात से ही कुर्की का सहारा लेकर प्रमोद को खोजने आई थी। प्रमोद सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने जब छापेमारी की थी उसी समय यह चर्चा में आया था। आलिशान मकान और गाड़ियों के साथ प्रमोद की कई चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था और उसके बाद प्रमोद सिंह ने कोयला कारोबार शुरू किया और उसके खिलाफ कोयला चोरी की भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।